नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी भी कुशल मंगल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का धमाकेदार पोस्ट है, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे यौन संबंध बनाने पर व्यक्ति हो जाता है नपुंसक। 1/7 ऐसे यौन संबंध बनाने पर व्यक्ति हो जाता है नपुंसक। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये समय लोक और परलोक के बीच संबंध को जोड़ने वाला होता है। लोक और परलोक की जब भी बात होती है तो गरुड़ पुराण की कही बातें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है। इस पुराण में मृत्यु, परलोक में कर्मों के फल और कर्मों के कारण मिलने वाले अगले जन्म को लेकर बातें कही गई हैं। इस पुराण में पुरुष और स्त्री के साथ संबंध को लेकर जो बातें कही गई हैं, उसे हर किसी को जानना चाहिए। 2/7 जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उन्हें यमलोक में लोहे के दहकते पुरुष का आलिंगन करना होता है। यमलोक की यातना सहने के बाद ऐसी स्त्री को चमगादड़, छिपकली या 2 मुंहे सांप के रूप में जन्म मिलता है। 3/7 छल से या जबरदस्ती संबंध बनाने पर जो व्यक्ति किशोरी कन्या के साथ छल से या जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे वर्षों तक यमलोक में अलग अलग नरक में जाकर दंड भोगना पड़ता है। इसके बाद उसे अजगर के रूप में नया जीवन मिलता है। 4/7 इन्हें अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले के लिए व्यक्ति को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। 5/7 ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गिरगिट होता है। गुरु की पत्नी के साथ जो व्यक्ति संबंध बनाने का पाप करते हैं, उनके लिए यमलोक में बहुत ही भयानक दंड है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगने के बाद गिरगिट होता है। ऐसे व्यक्ति घास, लता आदि भी होते हैं। 6/7 ऐसा व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होता है। किसी स्त्री का हरण करने वाला व्यक्ति परलोक में कष्ट भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस होता है। 7/7 ऐसे संबंध बनाने वाला नपुंसक जो व्यक्ति कामुकता के कारण किसी स्त्री के मान का हरण करता है, वह अगले जन्म में नपुंसक भी होता है। यानी किसी भी तरह से अगम्य स्त्री के साथ संबंध बनने वाला पुरुष अगले जन्म में नपुंसक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे कल नई पोस्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।